नमस्कार। 1990 के दशक में एक गाना बहुत प्रचलित हुआ था कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। अब जब बात चश्मे की हो ही रही है तो देखते हैं कि व्यूपोर्ट को चश्मा बदल के हम ब्लेंडर के अंदर कैसे देख सकते हैं, यानी ब्लेंडर का चश्मा कैसे बदलेंगे। तो यहाँ पर व्यूपोर्ट को हम अलग से देखने का तरीका, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपको मिलता है वायर फ्रेम ब्लेंडर में व्यूपोर्ट मिलता है, और फिर मिलता है सॉलिड जो हमारे ब्लेंडर का डिफॉल्ट भी होता है, फिर एक मिलता है मटेरियल। मैंने ऑलरेडी 3 मटेरियल देके रखे हैं, वो देखेंगे आगे आगे कैसे देते हैं। और बाद में एक है आपका लाइट फाइनल रेंडरिंग, यानी अगर आपको किसी को फोटो सेंड करना है तो कैसे दिखेगा। अगर मैं कैमरा सेलेक्ट करके यहाँ पे 0 दबाऊंगा तो ऐसे आप किसी को शेयर कर पाओगे। आपके मन में जो कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, वो आप बना के किसी को शेयर कर सकते हो। तो पहले तो देखते हैं कि इसमें और एक एक्स्ट्रा ऑप्शंस क्या क्या देखे रखे हैं। तो ये वायर फ्रेम मोड, यहाँ पर हम किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर से दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, जो कि हम सॉलिड में देखना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर रही बात, यहाँ पर एक छोटा सा डाउन एरो है, इस डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिलेंगे हमें, जैसे सिंगल, जैसे ऑब्जेक्ट, रैंडम बैकग्राउंड है, अलग अलग ऑप्शंस देखे रखे। व्यूपोर्ट का कलर चाहे तो हम बदल सकते हैं यहाँ से। एक्सरे, यानी ये वायरफ्रेम है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो देखना क्या होगा। यहाँ पे जाके मैं एक्सरे ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो ये होगा। तो ये हमें एक ऑप्शन देके रखा है उन्होंने। अब देखते हैं सॉलिड, तो ये तो हमारा ब्लेंडर का डिफॉल्ट भी तो है ही, पर यहाँ पे एक थोड़े मज़ेदार ऑप्शन देके रखे हैं इन्होंने। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं वैसे। यहाँ पर अगर स्पीयर पे हम क्लिक करते हैं तो हमें इसकी लाइटिंग कंडीशंस, लाइटिंग के डालने का तरीका, वो हम बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक लाइट एक एंगल से आ रही है, ऊपर से एंगल से होके यहाँ पर गिर रही है, पर इस मोड में दोनों तरफ से लाइट आ रही है, जैसे लेफ्ट से भी आ रही है, राइट से भी आ रही है। जस्ट एक जनरल आइडिया आने के लिए कि लाइट कैसे दिख सकती है। फिर मैट कैप में जाएंगे हम, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही मस्त चीज़ है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बने बनाए थोड़े सेट्स हैं, जैसे अगर हम इस मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑरेंजिश हो जाएगा। दूसरा देखेंगे हम, जैसे ये है कि नहीं मज़ेदार, ऐसे लग रहा है जैसे चबा के खा लें हम। और एक ख़ास बात इसके बाजू में यहाँ पर है, एक एरो देके रखा है जिसका इस्तेमाल करके हम लाइट की डायरेक्शंस को बदल सकते हैं। यहाँ पर ये तो मैट कैप हो गया, बाद में आते हैं हम फ्लैट में। यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस देके रखे, एक है ख़ास कि रैंडम, यहाँ पर कुछ अलग रंग नहीं रहेगा, एकदम फ्लैट रंग, उसमें 3D शेडो लाइट वो कुछ नहीं दिखेगा। ये ना एंड में काम में आता है, जब हम कॉम्पोजिशन करेंगे, बहुत बड़े बड़े सीन्स बनाएंगे तब बहुत काम में आता है। यहाँ पर मटेरियल दिए हैं, थोड़े ऑब्जेक्ट्स देखे रखे हैं, वर्टेक्स, हम चाहें तो पूरा का पूरा कलर एक साथ बदल सकते हैं।